हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति लेके आया हूं। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे दो या तीन क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको आना ही आना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई वीडियोस के लिंक होते हैं। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं एज ए नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डायरेक्ट देख सकें। तो आइए ज्यादा टाइम पास ना करते हुए मैं इस चैप्टर पे आता हूं। तो देखिए, नंबर सिस्टम, नंबर का मीनिंग आप भी जानते हैं, सिस्टम का भी मीनिंग जानते हैं कि कहीं कोई भी चीज नंबर आते हैं उसको सिस्टम बोलते हैं, कि कोई भी तरीका होता है उसे सॉल्व करने का, बनाने का। और नंबर हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह आपका कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे देखिए, यहां पर एक है कि दी गई संख्या, मतलब कोई भी संख्या दिया है, जैसे कि ये देखिए हम मैंने लिख के रखा हूं कि दी गई संख्या में अंकों का जातीय तथा स्थानीय मान है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जैसे ये संख्या है तो इसका दो मान होता है, एक हो गया आपका जातीय, दूसरा हो गया आपका स्थानीय। तो कौन सा जातीय है और कौन सा स्थानीय ये बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि फॉर्मूला, जैसे इस कई एक आप जानते भी हैं कि जैसे कोई भी मैथमेटिक्स का सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला तो होना ही होना है, तो इतना फॉर्मूला हम याद नहीं करते हैं, बल्कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिक इट कम्स इन आवर माइंड। तो जब हम सॉल्व को हम करते 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 क्या होगा, हमारा सब ऑटोमेटिक दिमाग में घुसने से क्या होगा, जैसे हम कोई भी क्वेश्चन मिलेगी उस टाइप का हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम फॉर्मूला को याद करें, जस्ट यूज इट, दैट इज मैटर। तो देखिए, किसी अंक, जैसे एक नंबर में क्या है कि किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान, चाहे वह संख्या में किसी भी स्थान पर हो। कहने का क्या मतलब है, जातीय मान कब होता है कि जैसे जातीय मान हो गया, जैसे इसी संख्या में आते हैं 534790, इसका जातीय मान क्या है, जातीय मान वो होता है कि जहां पे वो बैठा हुआ है उसका जो भी वैल्यू है वही उसका जातीय मान है। जैसे 53479, तो बोलेंगे कि 9 का जातीय मान क्या है, तो 9 का जो जातीय मान है वो 9 ही है। क्यों? क्योंकि उससे वो जो संख्या है और जो जहां बैठा हुआ है वही संख्या, वही बैठा हुआ का मान जातीय मान कहलाता है। जैसे 53479 में 3 क्या है, 3 का जातीय मान 3 है, 4 का जातीय मान 4 है। जैसे देखिए, 9 का जातीय मान 9 है, मैं लिख के रखा हूं, और 4 का जातीय मान क्या है, 4 है। जातीय मान का मतलब होता है कि आपका जहां पे जो प्लेस है उसका वैल्यू वहीं पे हो जाता है। लेकिन एज अ मैटर जैसे हम आएंगे आपका स्थानीय मान में, कहां आएंगे, स्थानीय मान में जैसे हम आते हैं तो स्थानीय मान चेंज हो जाता है। स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो किस प्लेस पे बैठा हुआ है, किस प्लेस पे बैठा हुआ है, चाहे वो इकाई हो सकता है, चाहे दहाई हो सकता है, चाहे सैकड़ा हो सकता है, हजार, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, जो भी हो, मींस उसको हम बोलते हैं उसका स्थानीय मान, मींस उसका एक स्थान है, एक प्लेस है। जैसे 1 2 3 4, ये 4 है मेरे पास, यदि 1 2 3 और 4, तो इसका स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान क्या है, जैसे हम जानते हैं कि हम काउंट जब करते हैं तो राइट टू लेफ्ट करते हैं, हम जब कोई काउंट करते हैं तो क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट ऐसे करते हैं, राइट टू लेफ्ट जब काउंट करते हैं तो राइट में मेरा स्टार्ट होता है इकाई, फिर दाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, लाख, जो करते करते हम लास्ट जाते हैं, तो वही है इसका मान। तो जैसे देखिए 2a, 2 का a में लिखे हैं कि इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होता है, इकाई अंक ना 1, मतलब जैसे कोई भी संख्या हो तो उसमें क्या होगा, इकाई मंच 1। फिर यदि हम बात करेंगे दहाई अंक, तो दहाई अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई और दहाई, मतलब दहाई पहले आ जाएगा बाद में फिर इकाई, इकाई मीन्स 0 और दहाई मीन्स 1, मतलब 10 को हम बोलेंगे दहाई। जैसे देखिए सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है, सैकड़ा का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, सैकड़ा का अंक, सैकड़ों का अंक गुना 1 पे 2 0, वही हो गया सैकड़ा का अंक। जैसे अब देखिए, अब वैल्यू में आते हैं, जैसे यहां पे मेरा एक है क्वेश्चन 5 3 4 7 और 9, तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले, ठीक है, 5 3 4 7 9, तो यहां 9 जो है, तो 9 का आपका स्थानीय मान क्या है, तो ये किस प्लेस पे बैठा हुआ, तो हम काउंट कहां से करते हैं, राइट टू लेफ्ट, तो जब राइट से काउंट करेंगे तो इकाई, तो वो इकाई के अंक पे बैठा हुआ है, मींस इसका जो स्थानीय मान क्या है वो इकाई है। लेकिन जैसे हम 7 पे आ जाएंगे तो 7 का ये स्थानीय मान क्या है, प्लेस उसका क्या है, इकाई और ये दहाई,
दूसरा पे है मतलब दहाई, फिर चार नंबर चार पे आएंगे यदि तो इकाई दहाई, फिर कहां ये सैकड़ा, फिर ये हजार, फिर ये दस हजार, इस तरह करके आएंगे इकाई दाही सैकड़ा हजार दस हजार, मतलब पांचवा नंबर पे बैठा मतलब दस हजार। तो ये एक इसका स्थान निर्माण होता है। इसी तरह कई क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, मैं एक एक करके क्वेश्चन उसके बाद फॉर्मूला के साथ बताऊंगा, आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कुछ कुछ क्वेश्चंस के, तो आप बने रहिए, कंप्लीट वीडियो देखिए तो आपको अच्छी तरह से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं एक एक करके क्वेश्चंस पे आता हूं और आपको अच्छी तरह समझाता हूं। जैसे देखिए पांच, पांच है तो पांच का स्थान निर्माण क्या है, तो अभी मैंने बताया कि इकाई दाही सैकड़ा हजार और दस हजार, तो दस हजार तो इकाई दाही सैकड़ा हजार और दस हजार मतलब पांच, तो पांच ही लिखेंगे लेकिन उसके बाद कितना जीरो है, एक दो तीन और चार अंक है, तो इसका मतलब क्या वहां पे हम चार जीरो बैठा देंगे, तो पांच पे चार जीरो, इकाई दाही सैकड़ा हजार और दस हजार। ठीक है, तो मैं इसी तरह क्वेश्चंस पे आता हूं और एक एक फॉर्मूलाज भी बताऊंगा आपको एक एक करके। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर, कोई भी संख्या हो जिसे हम 342 से डिवाइड कर रहे हैं पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि हम किसी भी संख्या को 342 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल जो रेस्ट बच गया वो कितना है, 47। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर, यदि इसी संख्या को हम 18 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल होगा, तो हमारा रेस्ट क्या बचेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, एक ट्रिक्स सबसे पहले जो बताते हैं, ये देखिए क्या बोल रहे, 342 से भाग देने पर, हम भाग किससे दे रहे हैं, 342 से। तो देखिए कोई भी संख्या को 342 से हम भाग देते हैं, ऐसे बनाएंगे भाग का सिंबल, तो कोई भी संख्या को 342 से यदि भाग देते हैं तो शेषफल कितना है, 47। तो शेषफल हमारा कहां बचता है, यहां, यही बच गया ना शेषफल। यहां से हम यदि किसी को भाजक से डिवाइड भाग देते हैं तो भाज्य यहां, भागफल यहां और यहां शेषफल, ये है। तो देखिए यहां से हम यदि डिवाइड करते हैं किसी को तो हमारा शेषफल कितना है, 47 डेफिनेटली। अब हो रहा है इसी संख्या को, अब यहां पे कोई संख्या होगा, कोई तो संख्या होगा, को हम 18 से डिवाइड करते हैं, तो यहां इस संख्या निकालने का सबसे आसान क्या तरीका है, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, एड, क्या कर दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। तो बस हम जैसे क्या करेंगे, 7 2 9 और 4 4 8 और 1 3, बस इस दोनों को क्या किया, हम ऐड कर दिए, वही ये संख्या बन जाता है। तो ये जो संख्या बन गया हम इसको लिख लेते हैं 389। उसी को बोल के 18 से भाग देने पर, किससे हम भाग देंगे, 18 से, जस्ट इसको 18 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो 18 2 36, 2 9, 18 1 18, 11, कितना शेष बच गया, 11, कितना शेष आ गया आपका, 11। तो आपका ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। जैसे देखिए ए का 12, बी 11, तो बी नंबर आपका आंसर सही होगा, ये है 11, फिर सी में 15 है, डी में 14 है, तो बी 11 आपका क्या है, सही है। कुछ भी नहीं है, 342 से भाग देने पर, भाग किससे दे, 342, तो 342 को यहां पटकेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि शेषफल 47, तो शेषफल कब बचेगा, जब हम भाग जितने से जितना बार दे देंगे जो शेष बचेगा उसको शेषफल, तो यहां शेषफल को हम नीचे लिखते हैं। अब ये दोनों को जो हम कर रहे हैं, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना, जो भी ऐड करेंगे वो संख्या हो गया हमारा। तो संख्या को फिर किससे भाग देना आपको, 18 से, तो 18 से डिवाइड कर दिए तो कितना शेष बच गया, 11, यहां शेषफल नीचे 11, तो वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ भी नहीं हो सकता है, आपको मानने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, दो क्वेश्चन है, इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, मीन्स 4000 में हम सबसे छोटी संख्या कौन सी घटाएं जो बची संख्या 19 से विभक्त हो जाए, मीन्स जो बची संख्या है वो पूरा पूरी क्या है, 19 से कट जाए। बची संख्या मीन्स क्या है, जो घटाने के बाद बचे। तो जैसे देखिए 4000 कोई संख्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, 19 से पहले डिवाइड देंगे। देखो देखिए 19 से विभक्त हो जाए पूरा पूरी, तो हम इसको पहले 19 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 19 से डिवाइड करते हैं हम यदि, तो 19 से दो बार में जाएगा मेरा 38 0 20, फिर एक बार में चला जाएगा 19, कितना बचा 1, और ये 0 नीचे 10 नहीं जाएगा, 1 0 यहां पे
बैठा देंगे। तो यहां बैठा दिए, लेकिन शेषफल मेरा क्या बच गया, 10। क्या बच गया, 10 बच गया। क्योंकि ये 210 बार में 19 से गुणा कीजिएगा तो शेषफल आपका 10 बचेगा। जैसे देखिए, अब मेरा क्या है, शेषफल 10 बच गया, तो हम चेक कर लेते हैं कि सही है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 10 यदि जो शेषफल बच गया हम उसी को घटाएंगे। तो देखिए, जैसे देखिए 4000 था मेरा, इसमें शेषफल मेरा क्या है, 10 है। तो हम यदि 10 को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0, 9, 9 और 3, मेरा यही संख्या बच गया घटाने से। अब ये जो बची संख्या है, वही देखिए, बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 19 से विभक्त है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो 19 से दो बार में फिर से 38, 1 और 9, 19 से एक बार में 19, ये हो गया खत्म, और ये 0 आ जाएगा यहां। 210 बार में क्या हो गया, पूरा पूरी कट गया। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम 10 को घटा दें, यदि 4000 में से 10 को घटा दें, तो हमारा क्या है, जो बची संख्या 19 से क्या है, पूरा पूरी विभक्त है। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका आंसर, ए नंबर 10, जो आपका बिल्कुल सही है। बनाने का तरीका क्या है कि जितना में से आपको घटाना है तो उसको पहले जो डिवाइड पूर्णता कर रहा है उससे ही डिवाइड दे दीजिए। तो जो डिवाइड देने के बाद जो शेष बच गया, रेस्ट बच गया, वो आपका आंसर हो जाएगा, उसी को हम घटाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीन में बोल रहा है कि सरल कीजिए, मीन्स इसको सरल करना है कि 947 प्लस 396 का होल स्क्वायर माइनस 947 का स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां माइनस स्क्वायर नहीं है, 947 माइनस 396 का होल स्क्वायर बटा 947 इंटू 396। यदि हम 947 इक्वल टू ए मान लेते हैं, 947 को ए मान लेते हैं और 396 बराबर बी, और 396 बराबर हम बी मान लेते हैं, तो क्या हो गया मेरा वैल्यू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, फिर मेरा क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा 947 इंटू 396, मतलब ए इंटू बी। ये मेरा एक क्या हो गया, फॉर्मूला में आ गया। तो देखिए, इसका फॉर्मूला जो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो हमेशा होता है 4ab। ये याद रखिएगा, आपको ये याद रखना बिल्कुल जरूरी है। और बटा में ए बी को जगह क्या लिख देंगे, ए बी जो वैल्यू है, तो ए बी और ए बी कट गया तो क्या निकला मेरा, 4। इसका मतलब इसको सरल करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए, सबसे पहले आप इस फॉर्मूला में सेट करना है, और फॉर्मूला का वैल्यू तो मान जानना ही जानना है। तो ये याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। ये मैं करके दिखा देता हूं आपको। जैसे देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया ब्रैकेट में, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस 2ab, क्योंकि ये जब प्लस हो तो प्लस ही होता है और जब माइनस हो तो माइनस, ठीक है। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, अब बोलेगा चेंज क्यों हो गया, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर क्या होगा, वो गुना में जाता है, तो जब गुना में जाएगा तो यदि प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस। अब देखिए, यहां ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कट गया आपका, अब क्या है, प्लस 2ab और प्लस 2ab प्लस 4ab, तो प्लस के जगह प्लस कुछ नहीं लिखना है, 4ab, तो यही हम लिखे 4ab, अब बटा ab में तो दिया हुआ है a, इसको माने थे b, तो ab कट गया, तो कितना आंसर हुआ आपका, 4। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो दो क्वेश्चन इस बार भी है, तो सबसे पहले मैं 4 सॉल्व करूंगा, उसके बाद 5। तो देखिए, 4 में क्या है कि 3 to the power 57 इंटू 6 to the power 41 इंटू 7 to the power 63 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यदि हम इसे गुना करते हैं तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, जैसे कोई भी संख्या हो 5, 4, 3, 9, 7,
यदि ये संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक क्या होता है, हम जानते हैं कि राइट टू लेफ्ट जब काउंट करेंगे तो जो सबसे पहला होगा हम उसे इकाई का अंक बोलते हैं, उसके बाद जो दूसरा होगा वो क्या होगा, दहाई का, तीसरा होगा तो सैकड़ा, उसी तरह हम चलते रहेंगे आगे। तो हमें चाहिए क्या, ये वाला पहला, मतलब इकाई का अंक में कौन सा आएगा, तो ऑप्शन है आपका 3, 6, 7 और 4। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या, सबसे पहले मैं बता देता हूं एक फॉर्मूला आपको। जैसे देखिए 3 टू दी पावर यदि 4 हो तो इसका जो इकाई अंक होगा वो होगा 1। 1 होगा क्या, इकाई अंक, ठीक है। उसी तरह यदि हम 6 का पावर कुछ भी लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 10, 50, 60, 100, 200 कुछ भी ले लें तो इसका मान 6 होगा। 6 मीन्स इकाई का अंक 6 होगा, ठीक है। यदि फिर 7 आंकड़ा करते हैं तो 7 टू दी पावर यदि 4 हो तो इसका वैल्यू इकाई अंक क्या होगा, 1। 7 का पावर यदि 4 है तो इसका मतलब क्या है, उसका इकाई का अंक क्या है, 1। तो अब क्वेश्चन को यदि सॉल्व करते हैं तो 3 टू दी पावर क्या है, 57। तो 57 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4। अब 4 टू दी पावर हम क्या करेंगे, 14। तो कितना हो गया, 3 का पावर 4, 4 का पावर 14 हो तो 4 14 4 56 बचा, कितना, 3 का पावर 57 है तो 1 बच गया, तो मतलब क्या है, 3 का पावर 1 बच गया, ठीक है। गुना 6 का पावर 41, तो 6 का पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 6, यहां लिखेंगे 6 इंटू 7 टू दी पावर 63। तो 7 का पावर 63 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 4, ये हो गया, इंटू 15, तो 15 चौके 60, 60 हो गया मेरा, बचा कितना, 3, तो 7 का पावर 3। नो डाउट 3 टू दी पावर 4 लिखिए, 14 चौके 56, 1 बच गया तो 3 का पावर 1 गुना 6, इसलिए लिखिए कि 6 का पावर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 6 इकाई में, यह याद रखिएगा ये सब इकाई अंक के लिए है। तो 7 टू दी पावर 4 हो, इकाई अंक 1, अब 4 को 15 से गुणा कर देंगे तो 60 हुआ, क्योंकि हमें 63 चाहिए, तो 7 टू दी पावर फिर से हम 3 कर दिए तो हो गया 63। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए क्यों कर दिए कि 14 से 56 और कुछ नहीं तो किसी का पावर 1 हो तो दोनों एड हो जाता है 63, तो यहां क्या 56 और 1 57, तो 3 का पावर 4 हो तो उसका वैल्यू कितना इकाई अंक, 1, तो 1 लिख दिए, और 1 का पावर क्या है, 14, तो 1 का पावर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 1 इंटू 3 का पावर 1 है तो 3 गुना 6 गुना 7 का पावर 4 का वैल्यू है 1, 7 टू दी पावर 4 = 1 इकाई अंक में, तो 1, और 1 का पावर 15 हो तो 1 इंटू 7 टू दी पावर 3, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, तो 7 क्यूब = 343, लेकिन इकाई अंक क्या है इसका, 3, तो यहां लेंगे गुना 3 और कुछ भी नहीं लेना है, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको फिर से गुना करेंगे, तो 3 6 18 18 3 54, तो 54 आ गया, तो 54 में इकाई का अंक क्या है, 4, तो यहां क्या लिख लेंगे, 4 हो जाएगा इकाई अंक, इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। तो देखिए ऑप्शन है 3 6 7 और 4, तो डेफिनेटली आपका 4 आंसर सही होगा, इसी तरह इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह जानना बिल्कुल जरूरी है, 3 का पावर 4 हो तो इकाई अंक 1, 6 का पावर कुछ भी हो तो 6 इकाई अंक में, 5 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 5, और 7 का पावर 4 हो तो इकाई अंक 1। अब देखिए अब क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि 459 × 46 × 12 की जगह पे कुछ आएगा इंटू 484 का इकाई अंक 2 हो तो हज के स्थान पे क्या होगा, इकाई अंक दे चुका है इसका, तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूं पहले। अब देखिए क्या हो रहा है, 459, तो 459 हो गया इंटू 46 इंटू 46 इंटू 2 8 और हज, या स्टार कुछ भी हो, एक्स भी मान सकते हैं आप, इंटू
484। यदि ये वैल्यू है मेरे पास और इसका इकाई अंक 2 दिया हुआ, क्या दिया हुआ इकाई अंक 2, मतलब इसका जो लास्ट आने वाला जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 2 होगा, तो हज के स्थान पे क्या होगा, मतलब ये जो 28 ये जो है इसके स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए इसका सबसे आसान टिप्स ये है कि 9 सबका इकाई अंक लीजिए, क्या लीजिए सबका इकाई अंक, तो 9, फिर इसका इकाई अंक 6, अब इसका इकाई अंक क्या है हज है तो हज, और इकाई अंक 4, इसको क्या कर दीजिए आप गुना कीजिए, तो नचक 54 इंटू 4, और हज को तो हज ही रहने दीजिए, तो चतुक 16 के 6 हाथ में 1, चार पंचे 20 और 21, 21 इंटू हज। लेकिन इसको यदि हम गुना करते हैं, इसको यदि हम फिर से गुना करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 2, मीन्स यदि यहां पे 2 आ जाए और यहां पे कुछ भी हो हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन हमारा इकाई अंक क्या होना चाहिए 2। तो किस चीज से हम इसको गुना कर दें, यदि हम इसको क्या है यहां पे जो 6 से गुना कर दे जो कि इसका इकाई अंक 2 आ जाए, तो डेफिनेटली हम 2 से यदि हम इसको गुना करते हैं, 216 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो 6 × 12, मतलब 6 × 12 का मतलब क्या है 2 लास्ट में आ गया, तो 2 ही हमें चाहिए लास्ट में, तो हम किससे गुना किए तो 2 से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो डी नंबर में देखिए आप दे रहा आंसर 2, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट लास्ट इकाई वाला अंक से को एक सबको गुना कीजिए तो वहां हज जो आएगा, तो 216, तो 216 में यदि 6 को यदि हम इकाई अंक 6 है तो 6 में क्या से गुना करेंगे जो लास्ट में 2, तो डेफिनेटली 2 से करेंगे तो 6 × 12 हो जाएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा उसका 2, जैसे 12 हो जाएगा तो इकाई अंक 2 और दहाई अंक 1, तो इकाई अंक चाहिए हमें 2, तो इकाई अंक यहां दिया हुआ था कि इकाई अंक कितना हो 2 हो, तो हज की जगह पे, हज की जगह पे क्या हो जाएगा मेरा 2, 2 से गुना करेंगे इसलिए। अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, तो सबसे पहले 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक्स इक्वल टू 2/5y प्लस 3 हो, एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरा एक्स इक्वल टू 2/5y प्लस 3, ये मेरा वैल्यू दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू 2/5y प्लस 3 हो, तब x में 1 से 2 तक वृद्धि होने पर, यदि x का वैल्यू 1 से हम 2 तक वृद्धि कर देते हैं तो क्या होगा, तो ऑप्शन 1 में है y में -5 से -5/2 तक वृद्धि होगी, दूसरा में है y में 2/5 से 5 तक कमी होगी, तीसरा में है y में 5/2 से 5 तक वृद्धि होगी, चौथा में y में -5 से -5/2 तक कमी होगी, क्या होगी अब हम देखते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 2/5y प्लस 3, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इससे x और y का वैल्यू का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम x -3, क्यों, क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाने के बाद माइनस, फिर यदि यहां माइनस होता तो इक्वल टू का इस साइड आता तो प्लस, तो यहां हो गया माइनस एक्स माइनस 3, यहां प्लस है तो इधर आएगा माइनस, इक्वल टू 2/5y। अब हम क्या करेंगे एक्स को एक साइड लिख देंगे माइनस 3, ब्रैकेट हो गया, अब देखिए यहां क्या है 2/5y, तो यहां डिवाइड है तो साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5 ऊपर और 2 नीचे बराबर y, ये हो सकता है, जैसे देखिए a बाय b हो बराबर c/d हो, तो हम क्या करेंगे ये दोनों क्रॉस जाता है और ये दोनों क्रॉस जाता है, तो ad बराबर bc हम ऐसे लिखते हैं इसे, तो उसी तरह हम जस्ट किए, तो हम क्या करेंगे अब इसको 5x माइनस 15 इक्वल टू 2y, यहां पे y को 2 को इधर लाने की जरूरत नहीं थी मैं ले गया, बट इट्स ओके, 5x माइनस 15 इक्वल टू 2
वाई। तो अब क्या करेंगे, तो वैल्यू देखिए यहां क्या है, एक्स में एक से दो तक वृद्धि करेंगे। तो एक्स में क्या कर रहा है, एक से दो तक वृद्धि करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू क्या रखेंगे हम, एक। तो एक यदि रखते हैं एक का मान तो क्या हो जाएगा, पांच। एक्स का मान क्या रख रहे हैं, एक। तो देखिए पांच, क्योंकि पांच में एक को गुणा करेंगे तो पांच माइनस पंद्रह बराबर टू वाई, तो माइनस दस बराबर टू वाई, माइनस पांच बराबर वाई। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, कट गया दो से पांच बार में। कब, जब हम x का वैल्यू क्या रख दिए, x का वैल्यू वन रखे, क्योंकि यहां क्या बोल रहा है, x में वन से टू तक वृद्धि करने पर। तो हम क्या किए, पहले x का मान क्या रखे, एक। तो x का वैल्यू एक रख दिए, तो एक को बना के तो पांच माइनस पंद्रह वाला टू वाई, वाई का इक्वल टू मान माइनस फाइव। तो x जब एक हुआ तो y कितना हो गया, माइनस फाइव हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, अब x का वैल्यू क्या करेंगे, अब हम एक तो ले लिया, क्या लेंगे दो। तो फिर हम यहीं पे आएंगे, तो इसी समीकरण से बनाएंगे हम समीकरण एक, यदि इसको हम मान लेते हैं तो फिर से समीकरण एक से, समीकरण एक से आएंगे। तो हम एक बार x का वैल्यू क्या निकाले, एक। तो अब क्या रखेंगे हम, एक से दो तक वृद्धि करेंगे तो दो रखेंगे, तो फाइव इंटू टू, क्योंकि फाइव एक्स है, एक्स का मान दो, माइनस फिफ्टीन इक्वल टू टू वाई। तो यहां पर आ जाएगा दस माइनस पंद्रह इक्वल टू टू वाई, माइनस पांच इक्वल टू टू वाई, माइनस फाइव बाय टू इक्वल टू वाई। क्या निकल गया, माइनस फाइव बाय टू वाई। तो यहां क्या निकल गया, एक्स के बराबर कितना रखे अब, टू। एक्स का मान कितना रख दिया, टू, क्योंकि एक से दो तक में एक बार एक लिए, दूसरा बार दो लिए, तो y का मान कितना आ गया, माइनस फाइव बाय टू। मतलब ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। मतलब x यदि हम क्या कर रहे हैं, पहले माइनस पांच है, अब माइनस पांच बाय दो है, तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कैसे दिखाते हैं, जैसे माइनस एक है और माइनस दो है, तो इसमें ये बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है, माइनस एक है। यदि आप किसी से कर्ज लेते हैं पांच रुपया और किसी से दो रुपया, तो आपको दो रुपया चुकाना आसान है, मतलब वो क्या है, वो कम है। तो मतलब क्या है, आपका राशि कम है लेकिन वैल्यू उसका ज्यादा हो गया। उसी तरह जैसे कि पांच रुपया माइनस हो और पांच रुपया यदि कोई प्लस हो, या मान के चले माइनस पांच रुपया हो किसी को, माइनस चार रुपया, मतलब किसी को पांच रुपया देना हो तो किसी को चार रुपया देना हो, तो चार रुपया देने वाला का वैल्यू ज्यादा हो जाता है। मतलब माइनस एक और माइनस दो में जो बड़ा होगा वो माइनस एक होगा, ठीक ना। तो उसी तरह माइनस पांच में माइनस ढाई हो रहा है, मतलब पांच बटा दो का मतलब क्या है, ढाई। तो माइनस ढाई जो है वो माइनस पांच से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो गया। यदि एक रखे तो माइनस पांच हुआ और दो रखे तो माइनस ढाई हो गया, मतलब पांच बटा दो हो गया, तो इसका मतलब क्या, वृद्धि हो गया। तो पांच माइनस पांच से माइनस पांच बाय दो क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो वाई में माइनस पांच से माइनस पांच बटा दो तक वृद्धि, हाँ आपका ए नंबर भी आंसर सही हो गया। दो बटा पांच से पांच तो है ही नहीं, क्योंकि माइनस पांच से माइनस पांच बटा दो है, तो पांच बटा दो तो होगा नहीं, माइनस पांच से माइनस पांच आता कमी नहीं, कमी नहीं, ये क्या हो गया, वृद्धि हुआ। जब माइनस में कम अंक हो तो उसका मतलब क्या, वो बढ़ गया। तो उसी तरह क्या करेंगे, माइनस पांच से माइनस पांच बटा दो तक वृद्धि होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले बनाने से पहले क्या, एक्स का वैल्यू यहां क्या है, एक से दो तक वृद्धि है, तो एक पहले देख रखी है, तो जो भी वाई का मान निकला, फिर दो रखिए जो भी वाई का मान निकला। अब इसमें वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है वो आपको देखना है। तो यहां से माइनस पांच से माइनस ढाई जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वृद्धि हो रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, टू टू दी पावर थर्टी वन इसी को बोल रहा है कि पांच से डिवाइड करने पर, भाग देने पर क्या आएगा। यदि इसी को पांच से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, यहां पे शेषफल जो एक्स है इसका वैल्यू क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए टू टू दी पावर थर्टी वन है। एक चीज याद रखना आपको कि टू टू दी पावर टेन इक्वल टू होता है दस चौबीस, कितना होता है दस चौबीस। दो का पावर यदि दस बार आप काउंट करते हैं तो दस चौबीस आएगा। दस चौबीस में क्या करना है आपको, दो का पावर दस
गुना 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर 10 और गुना 2 का पावर 1। कैसे? 10 20 30 और 1 31, यहां 2 का पावर कितना है हमारा 31। तो 10 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर 10 गुना 2 का पावर 1, तो हो गया 10 20 30 और 1 31। क्यों? क्योंकि जब इसको हम गुना करते हैं सेम संख्या नीचे हो तो ऊपर का जो गुणनफल होता है आपका तो वो क्या हो जाता है, ये प्लस में। कब? जब नीचे सेम हो और गुना हो रहा हो तो। तो ये 10 20 30 तीनों को ऐड करेंगे और एक भी ऐड हो जाएगा तो 31। तो 10 का पावर 2 का पावर 10 का मतलब क्या है? 10 24। तो आप बोलेगा कि सबको भी लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। 10 24 में से इकाई अंक क्या है? 4। इकाई अंक क्या है? 4। जस्ट आप उसको लिखना 4, फिर इसका भी इकाई अंक 4 हो जाएगा उसी तरह, और इसका भी इकाई अंक उसी तरह क्या हो जाएगा 4। गुना 2 का पावर 1 का मतलब क्या है? 2। अब इसको गुना करना आसान है, तो 4 चौके 16 चौके 64 और दूनी 128, ये हो गया। 128 को आप क्या करना है? 5 से डिवाइड, तो 5 से 2 बार में 10, 2 8 25, 25 कितना बच गया? 3। कितना शेष बच गया? तो 3 शेष बच गया, जो कि आपका आंसर होगा। 2 का पावर 10 का मतलब है 10 24, तो इकाई अंक क्या है? 4। तो 4 गुना 4 गुना 4 ये हो गया, और गुना 2 का पावर 1 का मतलब क्या है? 2। तो 4 का क्यूब 64, 64 गुना 2 128 को 5 से डिवाइड कर दिए, शेषफल 3। तो वही शेषफल 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखिए सी नंबर में दे रहा है 3, डेफिनेटली ये आपका आंसर सही होगा। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं, उसमें कई वीडियोस के लिंक होते हैं। ओके, धन्यवाद। अच्छा लगा वीडियो तो डेफिनेटली शेयर करें। थैंक यू।